नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के अवसर पर मैं जो हूँ आपको अपने गार्डन में खिलने वाले येलो यानी कि पीले कलर के फ्लावर्स दिखाऊंगी, साथ में थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी भी दूंगी। एक तरीके से कहिए कि गार्डनिंग टिप्स भी कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। फ्रेंड्स, इसलिए शेयर कर रहे हैं येलो कलर के ताकि अगर आप अपने गार्डन को कोई थीम गार्डन बनाना चाहते हो तो जो है नेक्स्ट ईयर आप ये प्लांट्स अपने गार्डन में लगा सकते हैं येलो कलर के भी। और जैसे कि ये वाला है मेरा बबूने या फिर शैमोलिन कह लें, ये वाला सीड से लगाया था। सर्दियों का प्लांट है, फ्लावरिंग थोड़ी देर से करता है और काफ़ी पीछे तक बना रहता है, पूरा ये मार्च तक चल जाता है आपका खूब आराम से। नेक्स्ट नंबर में ये है वेडेलिया। वेडेलिया जो है ये क्रीपर है और इसमें ये येलो कलर के फूल आते हैं, सारे साल ही आते रहते हैं बीच बीच में रुक रुक करके, और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। बहुत अच्छा प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है, लेकिन फ्रेंड्स इसको जो है गमले में ही लगाइएगा, कभी भी ज़मीन में मत लगाइएगा, नहीं तो सब इलाके में ये फैल जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट उसमें आ रहा है ये हमारा क्रिसेंथमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी का आपको ये मदर प्लांट दिखाते हैं कितना फैला हुआ है, ये इतना बड़ा हो गया है ये तो। इसकी कटिंग ले लेकर के बहुत जगह लगाई गई है लेकिन तब फिर छोड़ दिया गया है, तो अपने आप ही ये ग्रो हो रहा है। इसके बाद ये है पेंजी। पेंजी भी जो है ये सीजनल प्लांट है। पेंजी का जो है मेरे यहाँ काफ़ी लेट फ्लावरिंग हो रही है इसकी, एक्चुअली मौसम काफ़ी ख़राब रहा है तो अब फ्लावरिंग इसने शुरू कर दी है। तो ये पेंजी जो है ये अधिकतर ये भी मार्च तक चल जाता है ये वाला, इसको जो है तितली फूल और बंदर के मुंह वाला जैसे बहुत नामों से जाना जाता है। ये है हमारा डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये शुरू में हमारे यहाँ फ्लावरिंग कर रहा था लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण उसने फ्लावरिंग बंद कर दी है। ये भी सीजनली है, अब देखिए इसमें काफ़ी सारी कलियाँ आई हैं तो ये खट्टा अब ये खिलेगा, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। ये है गैलाडिया। गैलाडिया जो है बहुत सारे कलर्स में वैराइटीज़ में आता है, ये गर्मियों का प्लांट है लेकिन हमारे टेरेस में ये सारे साल ही चल गया लगभग, बस इसकी कटिंग ले लेकर के हम लगाते जा रहे हैं, ये ग्रो होता जा रहा है। तो गैलाडिया अभी भी आप लगा सकते हो। ये है नास्ट्रेशियम। नास्ट्रेशियम में ये वेरीगेटेड जो वैरायटी है उसका फ्लावर है। नास्ट्रेशियम में भी कई तरीके के फूल आते हैं, ये इकलौता हमारा येलो कलर में निकला है, ये सब तो ऑरेंज कलर में है। और नास्ट्रेशियम जो है ये सर्दियों का है, एक तरह से कहते हैं ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा है। ये हमने पूरा हैंग कर रखा अपने गमले से इस तरीके से, और ये जो नास्ट्रेशियम है इसमें देखिए ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। इसमें जो है जैसे जैसे फूल सूखते जाएं आप तुरंत पिंच कर देना, ये जो है आपका आराम से मार्च तक खिलता रहता है, काफ़ी लंबे समय तक खिल जाता है। ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पर ये है हमारा कैलेंडुला। कैलेंडुला को मैंने सीड से लगाया था, और सीड से कैसे लगाया था इसका वीडियो मैंने आपके संग शेयर भी करा था। फ्रेंड्स, जब सीड से हम लोग लगाते हैं कोई भी प्लांट्स तो बहुत सारे हम लोग के पास प्लांट्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सीडलिंग्स हो जाती हैं, तो लगाने की जगह कम हो जाती है, इतना हो जाता है। तो मैंने बस सब ऐसे ही अपने ही जो वर्टिकल कंपोस्टर मैंने बनाया था आपके संग शेयर भी किया था, तो इसी में कहते हैं एक तरह से कंपोस्टिंग ही नीचे हो रही है, इसी में ये सब ग्रो हो रहे हैं। अच्छा, ये भी देखिए टमाटर का येलो कलर का फूल। एक चीज़ हम आपके संग शेयर करना चाहते हैं, हमारी किसी व्यूअर फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि उनके टमाटर के प्लांट में फूल तो आ रहे हैं फल नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वैसे तो मैंने आपको खुद ही बता दिया था कई सारे रीज़न, तो मैंने जो आपको हिलाने का बताया था वो इस तरीके से प्लांट को हिलाइएगा, क्योंकि टमाटर जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है, इस तरीके से हिलाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये जो है यूफोर्बिया मिली है। यूफोर्बिया मिली का जो प्लांट था मेरा गिर पड़ा था, पूरा गमला टूट गया था, इसको ठीक से रखा है हमने। और ये जो है परमानेंट प्लांट है, ये काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करता है बहुत ही कम देखभाल में, तो इसको आप रख सकते हो। यहाँ पर जो है ये है कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम की कई सारी वैरायटी आती है, ये जो है स्पेशली रेनी सीजन में फ्लावरिंग करता है। अब तो जो है मेरा प्लांट ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, इसके जो है बीज कलेक्ट कर रही हूँ मैं, ये लगा हुआ है तो बस ऐसे ही चल रहा है ये कॉक्सकॉम। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक डिफरेंट तरीके का गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड।
ये वाले जो प्लांट हैं ये मेरे अपने आप ही निकल आए हैं, इसको बोया नहीं गया है। ये सब जो सीड पिछले साल के जो गिर गए थे ना, उसी के ही निकले हैं। अच्छा, ये हम तो पहले बैठे थे काफ़ी दिन से इसके फूल देखने के लिए। शुरू शुरू में तो फूल अच्छे नहीं लगे, लेकिन अब देखते हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि इससे पहले जो थे मेरे सिंगल पेटल के निकलते थे। अब देखिए पता नहीं कैसे पॉलिनेशन हुआ, क्या हुआ, ये अपने आप ही इनकी जो थी पेटल्स का जो डिज़ाइन है ये चेंज हो गया है। काफ़ी सारे इस जगह पर लगे हुए हैं, और वैसे ये वाला तो नर्सरी से लेकर के लगाया गया है, छोटा वाला ये वाला, और इधर भी बहुत सारे गिरे हैं। तो ये सब अपने आप ही देखिए इस तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।